मंडी सिस्टम है नहीं, जे कल आपने स्पेशल कह रहे हैं कि हमारा मंडी सिस्टम भी मजबूत करना चाहिए, जैसे पंजाब वाले बाहर वाले कह रहे हैं हमारे किसान बेचारे मर रहे हैं, तो इनका भी मंडी में सिस्टम जेड़ा मजबूत होना चाहिए। ठीक, थैंक यू कठुआ और वो किसान साहब और उससे दो चार मिनट जी। मैं इश्ताक हुसैन वाजा, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट किश्तवाड़। देखिए, जो आज हमारी मीटिंग हुई मेवा जी के साथ एक बहुत खुशगवार माहौल में हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमारे जो यहाँ पर पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो उन्होंने आज एक ठोस एग्ज़ाम उठाया है, उसके लिए हम मेवा जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा PIGD में मेवा जी का एक बहुत बड़ा स्टैंड रहा, तो उसके बाद उन्होंने जो डिलिमिटेशन कमीशन के मुतालिक जो उन्होंने बात की, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा स्टैंड रहा। तो जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, हम ग्राउंड लेवल वर्कर जो है इस वक्त मेवा जी के साथ शाना बशाना है। हम चाहते हैं कि जितना हमारी पार्टी मजबूत हो, पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारी कुछ बातें मेवा जी के साथ हुई, उन पर भी हमारा तबादला ख्याल हो। हमारा जो आगे आने वाला जो पार्टी के लायामल है, जिसमें हमारे ड्राइव भी होना है, इसमें मेंबरशिप का, उसके मुतालिक भी हमारी बात होगी। लेकिन हम चाहते हैं जिस तरीके से पार्टी को स्ट्रेंथ करने के लिए मेवा जी ने इस वक्त तक जो अपने ठोस इकदाम उठाए हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का जो यूनिट है उनके बिल्कुल शाना बशाना है। देखो, वो एक वक्त की मजबूरी थी, वो पास्ट था, लेकिन अब वो पास्ट ख़त्म हो चुका है। जब बुरे दिन आ जाते हैं उसके बाद ज़रूर अच्छे दिन भी आ जाते हैं, जहाँ अंधेरा होता है उसके बाद वहाँ धूप भी होती है। इंशाल्लाह आज अल्लाह ताला के फजल करम से मेवा जी के जो जिस तरह के उन्होंने पार्टी को चलाने की कोशिश की है, उस वजह से आप देख रहे हैं कि आज हर एक शख्स जम्मू कश्मीर का जो हमारी आइडियालॉजी के साथ है वो बिल्कुल खुश है, और वो चाहता है कि पार्टी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और उस वही एक लाहेमल है जो लाहेमल के साथ हम इस वक्त पार्टी के साथ जुड़े हैं। और ये PDP पार्टी जो है एक तहरीक है, इसके साथ लोग दिन ब दिन जुड़ रहे हैं, इसका कोई ये नहीं मतलब समझा जाए कि पार्टी कहीं कमज़ोर है। नमस्ते, मेरा नाम है तालिब हुसैन। हम जिस तरह से आप ज़्यादातर हमारा आज का जो मुद्दा यहाँ पर आना था, जिस तरह से मेहबूब जी का स्टैंड है 370 पर, हम उस स्टैंड की शाबाशी के लिए और उनको साथ रहने के लिए वहाँ यहाँ पर आज आए थे कि हम आपके साथ हैं और मरते दम तक आपके साथ जो आप इस वक्त स्टैंड रखें। ये नहीं कि आप दिल्ली में एक बात कहते हो, जम्मू में दूसरी बात, कश्मीर में एक दूसरी बात। तो मेहबूब जी ने जो भी कहा हम उनके साथ शाना बशाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर अफगानिस्तान अमेरिका बात कर सकता है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी बात कर सकता है, इसमें कोई नहीं है। पहले भी बातें होती थी, पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, मुफ्ती साहब के दौरान में हुई, अटल जी के दौरान में हुई, तो इसमें कौन सा है। चाइना इंडिया बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बात करने में क्या है। अमन अगर हो, क्योंकि हमारी पार्टी का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीस डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी का नाम है PDP, और इसी पर हम इस वक्त तक खड़े हैं। तो ये जो पार्टी हमारी है, ये एक तहरीक है जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, इसको वही दर्जा देने के लिए हम मेहबूब जी के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और मरते दम तक खड़े रहेंगे। नाम अरशद हुसैन गिरी। कहाँ से आए आप? सर, मैं किश्तवाड़ से आया हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर किश्तवाड़, ज़िला किश्तवाड़ से। सर, हमारा स्टैंड तो रोज़े अव्वल से ही हमारी पार्टी का स्टैंड जो है वो आर्टिकल 370 के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ हमारी पार्टी का मुद्दा नहीं है, वो आवाम का मुद्दा है, और हमारी पार्टी अवामी पार्टी है, वो एक पार्टी नहीं है, वो एक तहरीक है। हमारे मुद्दे नहीं होते हैं, हमारी आज मुलाकात जो थी वो हमारी बाजी के साथ थी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट के साथ थी। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं जो उनका स्टैंड है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की बका के लिए, जिस स्टैंड पे वो कायम और दायम है और अपने मंशूर के साथ खड़ी हुई हैं, उसको हम सलूट करते हैं, और उसके हौसला अफजाई के लिए हम उनके वर्कर, उनके शाना बशाना उनके साथ हैं।
बात जी, आपका नाम? मेरा नाम एजाज सुमरिया है, मैं उधमपुर से आया हूँ। और आज का जो हमारी मुलाकात थी, जैसा कि आप सब जानते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से जो भी डायरेक्शंस होती हैं पार्टी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर विस्तार से बड़ी तफसील से चर्चाएँ हुई। और जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पार्टी का रहेगा उधमपुर के अंदर और पूरे जम्मू के अंदर, उसके बारे में डिस्कशंस हुई। और हम यही आपको भी और पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को भी ये संदेश यहाँ से देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही एकमात्र हल है जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरक्की और खुशहाली के लिए। इसके अलावा कोई हल नहीं है। शुक्रिया। जय हिंद। मैं दुपेंद्र पाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीडीपी उधमपुर से। आज हम जिला इकाई पूरी उधमपुर से जोन प्रेसिडेंट या ब्लॉक प्रेसिडेंट, जो हमारे लाठी से, चरैनी से, अपना मोंगरी से, पंचायती से सभी आए हुए थे। जो आज मैडम से हमारी मुलाकात हुई, उसमें हमने जो अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना है उसकी रणनीति पे पूरी बात हुई। और अब हमारा जो फाउंडेशन डे आ रहा है, उसमें हमने जो एक अपना फाउंडेशन डे बनाना है, अपनी जिला, हर हमारा जो भी फाउंडेशन डे बनेगा ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। थैंक यू। हाँ, मैं दलवीर सिंह, पीडीपी उधमपुर से हूँ। आज हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दुपेंद्र पाल सिंह जी के साथ, जो हमारी जिला इकाई उधमपुर है, उनके साथ इधर मैडम महबूबा मुफ्ती जी के साथ मुलाकात करने आए थे। आज हमने उनके साथ काफ़ी डिस्कशन की पार्टी की बेहतरी के बारे में, और आगे हमने अपनी पार्टी के उत्थान के लिए क्या क्या मतलब और हम इसमें इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए काफ़ी मैडम ने फैसले लिए हुए हैं, जिसमें कि उन्होंने ये भी फैसला लिया हुआ है आने वाली जो हमारी ये मेंबरशिप ड्राइव है, जिसका के किक स्टार्ट जो है हो जाएगा ये हमारे आने वाले फाउंडेशन डे पर, जो 28 जुलाई 2021 को आएगा। तो इसी के साथ ही हम ग्रास रूट पर जा रहे हैं। काफ़ी जो अक्सर इधर हमारे जो लोग हैं वो उधर दुखी हैं। एक जम्मू शहर को तो इन्होंने एक शराबों का शहर बना दिया है। काफ़ी हमारे चनैनी में भी काफ़ी बिना NOC के जो इन्होंने वो शराबों की दुकानें खोल दी हैं, उसको पर भी हम कर रहे हैं कि भाई इन पर कोई सही मतलब जो है कि हटाया जाए, जिनके पास जो NOC है वो दिया जाए। अभी वो हमारे इधर के ब्लॉक प्रेसिडेंट शबीर जी जो चले गए, उन्होंने काफ़ी उधर धरना प्रदर्शन भी किया। तो यही है, हमने पार्टी की मजबूती करनी है और जो हमारी पार्टी पॉलिसीज़ हैं उस पर हमने चलना है। और मैडम के साथ हैं हम, PDP की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ हैं हम। और जो हमने जो है हम इसमें यही हमारी पूरी डिमांड है कि हमें पहले फुल स्टेट का दर्जा चाहिए। देखिए अशरफ साहब, जिस तरह से रामबन ज़िला से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक पूरा एक वफद जो है, एक ही वफद था जिसमें 30 से 40 लोगों का एक जो है पार्टी के जो अहदेदारान थे, जोन प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, यूथ प्रेसिडेंट्स और दूसरे जो अहदेदारान थे, वो आकर के जिस तरह से महबूबा मुफ्ती साहिबा ने यहाँ पर जम्मू में एक मीटिंग तलब की थी, जम्मू सूबे के तमाम इलाकों से, तमाम जोन्स और डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और बाकी लोगों की सदारत में जो है एक यहाँ पर बुलाया गया था, तो काफ़ी बेहतरीन मुलाकात रही हमारी। और हमने एक एक करके तमाम कारकुनान ने, तमाम पार्टी के अहदेदारान ने अपनी अपनी बात बड़ी तफसील से रखी। और मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, हमारी पार्टी की जो चीफ हैं, उन्होंने हमारी बात तफसील से सुनी और उनके अजाले भी पेश किए। तो जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर के एक देरीना जो नामसाइब हालात रहे, 370 रहा कोविड का जो हालात रहे, उसके बाद एक लंबे जो है एक दौरानिए के दौरान बाद जो है एक मुलाकात हुई। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर यही चीज़ें पेश की गई कि हमारी जो पार्टी का जो एक सिलसिला है काफ़ी बेहतर चल रहा है और इसको फिर से मुनज़्ज़म किया जा रहा है। यही जहाँ कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से अगर कहीं दरारें या कहीं कमजोरियां पैदा हुई थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए तमाम पार्टी कारकुनान एकजुट होकर के अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। मोहम्मद अमीन बटोत से, PDP का एक छोटा सा वर्कर या वर्कर की हैसियत से यहाँ पर जो बुलाए गए थे ज़िला रामबन के वर्करान, उनकी एक बड़ी अच्छी मुलाकात मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहबा से हुई। उन्होंने हमें पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो मशवरे दिए हैं, उनको इंशाल्लाह हम आवाम के सामने पेश करेंगे। और जो इनका मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ की विरासत के लोग भी तायद करते हैं और ज़िला रामबन के लोगों ने भरोसा दिलाया है कि हम, आपने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है उस मौक़िफ़ पर हम पूरी की पूरी हमायत का यकीन दिलाया और इनके साथ चलेंगे। नंबर एक। नंबर दो, रियासत जम्मू और कश्मीर के हालात जो 5 अगस्त 2019 के बाद बने हुए हैं, उन हालात को दुरुस्त करने के लिए जो PDP ने पहल की है, और बांगे दोहल दिल्ली में जो हमारी
पीडीपी के सदर मोहतरमा महबूबा जी ने बयान दिए हैं उनकी हम तायद करते हैं। मरकज़ को चाहिए कि उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए रियासत जम्मू और कश्मीर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मुद्दों पे आपने बात, सबसे पहले आज बाजी से जो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी से जो बात हुई हमारी, वो हम रियासी डिस्ट्रिक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा बात ये हुई कि जो बारीदारों का मसला है, बारीदारों के मसले में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर पार्टियाँ जो पार्टियाँ भी आईं बस उन्होंने झूठे आश्वासन दिए उन लोगों को, तो बोर्ड लिए और चलते बने। वो बारीदारों के मसले पे हम लोगों ने अपनी पार्टी प्रेसिडेंट साहब ऐसे बात की कि उस पे उन पे वो रोशनी डालें ताकि वो बारीदारों का कोई मसला जो बाकी मंदिरों में है, जो हिंदुस्तान के बाकी मंदिरों में है, वो कटरा वैष्णो देवी में भी उन बारीदारों को वो हक मिले। दूसरा, हम जो हमारा जो पार्टी को मजबूत करने की बात थी, बाकी मेन मुद्दा ये था कि मैंने जो डिस्ट्रिक्ट अपनी कमेटी को यही कि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा का हुक्म, जो उनके फैसले, चाहे वो डिलिमिटेशन को लेके हों, चाहे वो दफ़ा 370 को लेके हों, चाहे वो स्टेटहुड को लेके हों, जो उनके फैसले, वो हमारे सर आँखों पर हैं, हम उनके साथ हैं हमेशा। मेहमान ना क्या क्वेश्चन? देखिए अशरफ साहब, सबसे पहले आज बड़े खुशी का दिन था, काफ़ी अरसे के बाद कोविड की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से आज काफ़ी अरसे के बाद जो है हमारी मुलाकात सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा से हुई। उसके अलावा हमने मैडम का शुक्रिया अदा किया, जो आज पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर का, आप ज़्यादा देख सकते हैं कि किस तरीके से खाली एक पॉलिटिकल लीडर जो है आज वाहिद महबूबा मुफ्ती जी, जिन्होंने दिल्ली में भी जो बात की वही जम्मू में की, वही कश्मीर में की। हम मैडम को मुबारकबाद देने के लिए आए थे, और इसके अलावा हौसला अफजाई करने के लिए मैडम को, कि मैडम का हर एक वर्कर, हर एक पार्टी का जो सिपाही है वो मैडम के इस फैसले के साथ है, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो, चाहे वो और किसी किस्म की बात हो, हम मैडम के शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ का हर एक वर्कर उनका एक सिपाही है, हम सिपाही बन के काम करेंगे आगे भी पार्टी के लिए।